सरकार को, पीएम मोदी की सरकार को, देश को परेशान करने वाले राष्ट्रीय मुद्दों से निपटने के बारे में जो बिल्कुल ही सक्षम नहीं है, बल्कि यह अपने विनाशकारी कार्यों और फैसलों के सौजन्य से लोगों को भी अक्षम बना रही है, पूरे देश को अक्षम बना रही है, स्वयं भी अक्षम बनती जा रही है और देश को भी अक्षम बना रही है। जिस तरह से यह भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित हमारे देश के संघीय ढांचे को नष्ट कर रही है, मोदी सरकार स्वयं एक बहुत बड़ी समस्या प्रतीत होती है। राज्य सरकारों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं दे रही है, या तो शायद इनकी मंशा नहीं देना है, या फिर कुछ इस तरह से नियंत्रित करके रखना है कि जिसमें सब कुछ ऐसा लगे कि यही कर रहे हैं और करने के नाम पे ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। जिस सरकार को अगर हम बात करें, 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये में और 35 रुपये का प्रति लीटर का पेट्रोल लगभग 3 गुनी राशि या उससे भी अधिक, 110, 115, 105 रुपये की राशि या उससे भी अधिक में बेचने वाली मोदी सरकार स्वयं कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है, तो देश में कालाबाजारी को रोकने की नैतिक शक्ति इसमें कैसे हो सकती है? बिल्कुल ही नहीं हो सकती। अभी हम लोगों ने पिछले 1 सालों 1.5 सालों में देखा है कि जिस प्रकार से खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें और मेडिकल चिकित्सा की चीज़ें हैं, जिस प्रकार से कालाबाजारी हुई है, उस कालाबाजारी को रोकने में सरकार बिल्कुल ही असफल, अक्षम रही है। तो जो सरकार स्वयं कालाबाजारी को प्राथमिकता देती है, उनकी प्राथमिकता में है, बढ़ावा देती है, वो कालाबाजारी कैसे रोक सकती है? और इसी का नतीजा आज भारत, पूरा भारत झेल रहा है, झेला है और झेल रहा है, आगे भी संभवतः यह झेलता ही रहेगा। नतीजा आप देख रहे हैं, आम जनता जानलेवा महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं और जिस पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण किसी भी